हेलो सुपर हीरोज, आज हम अपना एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन का एपिसोड 2 स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करने से पहले पिछले एपिसोड में क्या हुआ उस पर थोड़ा झलक डालते हैं। फिनिक्स फोर्स अर्थ पर होप समर्स के लिए आ रहा है, जो कि एक म्यूटेंट है, और इसकी खबर उन्हें नोवा देता है, जो कि बहुत बुरी हालत में उन्हें मिलता है। नोवा की ऐसी हालत कैसे हुई इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। एवेंजर्स और US प्रेसिडेंट की व्हाइट हाउस में मीटिंग होती है, क्योंकि वो लोग फिनिक्स फोर्स को तबाही की तरह देख रहे होते हैं, और फिनिक्स फोर्स एक म्यूटेंट के लिए आ रहा है, और म्यूटेंट्स का लीडर जो कि स्कॉट है उसे अपनी म्यूटेंट प्रजाति के भले के लिए देख रहा है। कैप्टन अमेरिका स्कॉट से मिलने यूटोपिया पहुंचते हैं, लेकिन बात नहीं बनती और उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन यहीं से शुरू होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट एपिसोड 2। जंग शुरू हो चुकी है। स्कॉट के बाकी म्यूटेंट साथी कैप्टन अमेरिका के बर्ताव के बारे में बात कर रहे थे, तभी स्कॉट उन सबसे होप समर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बोलता है, और उधर दूसरी तरफ एवेंजर्स भी होप को किसी भी कीमत पर ले जाने के लिए रेडी थे, फिर चाहे कुछ भी करना पड़े। लड़ाई को शुरू करने का काम मैग्नेटो करता है। वो कोलोसिस को किसी मिसाइल की तरह हवा में उछाल देता है, और कोलोसिस सीधा जाके एवेंजर्स के हेलीकैरियर को फाड़ता हुआ अंदर घुस जाता है, जिससे हेलीकैरियर डैमेज हो जाता है, और एवेंजर्स के कुछ मेंबर्स जो उड़ नहीं सकते वो नीचे गिरने लगते हैं और खुद को संभालते हैं। तभी पीछे से रेड हल्क आता है और बोलता है कि तुम्हें लगता है तुम सबसे स्ट्रांग हो, पर तुम गलत हो, यहाँ सबसे स्ट्रांग मैं हूँ, और सब नीचे गिरने लगते हैं। अब द थिंग और ल्यूक केज नेमर के साथ लड़ रहे हैं, आयरन मैन और डॉक्टर स्ट्रेंज ऊपर से अटैक कर रहे हैं और खुद को बचा भी रहे हैं नीचे के अटैक से। तभी अचानक कैप्टन अमेरिका की शील्ड स्कॉट के सर पर लगती है, और साइक्लॉप्स बोलता है इनको पानी की तरफ ले चलो, और कैप्टन बोलते हैं इनको बीच पे घेर लो, और तभी दोनों टीम एक दूसरे पर अटैक करने को रेडी हो जाती हैं। वहीं से कुछ दूरी पर एमा फ्रॉस्ट एक रूम से ये सब देख रही होती है, और वो होप को पकड़ के लाती है, और कुछ न्यू म्यूटेंट्स जिन्हें लाइट्स भी बोलते हैं उनके पास कर देती है, और बोलती है कुछ भी हो जाए ये रूम से बाहर नहीं जानी चाहिए। और उसके बाद वो स्कॉट से बोलती है कि मुझे 30 सेकंड दो, मैं एवेंजर्स के दिमाग में घुस के इन सबको खत्म कर दूंगी। लेकिन आयरन मैन पूरी तैयारी के साथ आया था, और वो एमा फ्रॉस्ट के बाहर आते ही माइक्रोस्कोपिक टेलीपैथी का टीजर से अटैक कर देता है, जिससे एमा फ्रॉस्ट अपनी टेलीपैथी पावर यूज नहीं कर पाती है, और वो फ्रस्ट्रेट होकर आयरन मैन पर हिस्ट्री का सबसे एक्सपेंसिव पंच मारती है। एक्सपेंसिव इसलिए क्योंकि एमा की सेकेंड पावर ये भी है कि वो खुद को डायमंड की तरह हार्ड कर लेती है, और आयरन मैन का सूट $1 बिलियन का है। लेकिन टोनी भी नहीं रुकता, और वो एमा पर अटैक करता है, और तभी पीछे से कोई आता है, और वो पीछे मुड़ के देखता है तो मैग्नेटो खड़ा होता है, अ म्यूटेंट मास्टर ऑफ मैग्नेटिज्म और मैन इन अ मेटल सूट की फाइट चल रही है। और अगर आपको लगता है कि टोनी कुछ नहीं कर पाएगा तो आप टोनी स्टार्क को अच्छे से नहीं जानते हैं। वहां से बहुत दूर इस सारी फाइट की लाइव फुटेज कोई देख रहा था, और वो कोई नहीं बल्कि क्विक सिल्वर था, और वो बोलता है कि मुझे जाना होगा, और वो अगले 3 सेकंड में 350 माइल्स दूरी कंप्लीट करके आता है और अपने पिता मैग्नेटो को मुक्का मार के गिरा देता है, और मैग्नेटो बोलता है कि बचपन में से तमीज सिखाई होती तो आज ये नहीं देखना होता, और आयरन मैन की हेल्प करता है, और उसके बाद जहां से क्विक सिल्वर आया था स्कारलेट विच टीवी ऑफ कर देती है और वहां से जाने लगती है, और एक नोटबुक दिखाई देती है जिसपे फिनिक्स फोर्स की तस्वीर बनी होती है और लिखा था इस तरह से दुनिया का अंत होगा। उधर वुल्वरिन को अवेंजर्स की तरफ से लड़ता देख के साइक्लॉप बोलती है ये कैसा दिन आ गया है, वुल्वरिन भी अब अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ रहा है। तो वुल्वरिन बोलता है कि तुम लोग पागल हो गए हो, मैं दुनिया को बचाना चाहता हूं, मुझे बताओ कि होप कहाँ है। इधर ब्लैक पैंथर और उसकी वाइफ के बीच आर्गुमेंट चल रही है कि तुमने मुझे इसलिए छोड़ दिया कि मुझे राजमा पनीर पसंद है और तुमको शाही पनीर। तो ब्लैक पैंथर बोलता है कि एक सब्जी में एक ही महंगी चीज डालती, इतनी महंगाई में तो मैं लुट जाता, ऊपर से सुपर हीरोज की नौकरी में इतनी तनख्वाह भी नहीं मिलती है। दूसरी तरफ होप समर्स विंडो से ये सब देख रही होती है और बोलती है कि मुझे वहां जाके उनकी मदद करनी होगी, ऐसे तो वो हार जाएंगे, लेकिन बाकी लोग उसे रोकते हैं और वो उसे नहीं जाने देते। इस पे होप गुस्सा हो जाती है और कहती है मैं तुम्हारी नाक तोड़ दूंगी। उधर स्कॉट कैप्टन पे हमले किए जा रहा है। कैप्टन बोलते हैं साइक्लॉप्स मैं तुम्हें इतने लंबे समय से जानता हूं, पर तुम इतने बेवकूफ हो ये नहीं जानता था, तुम फिनिक्स फोर्स की तरफदारी कर रहे हो, ये वही फिनिक्स फोर्स है जिसकी वजह से तुम्हारी वाइफ जीन ग्रे मारी गई, उसने तो दुनिया लगभग तबाही कर दी थी। तो साइक्लॉप्स बोलता है तुम्हें मेरी वाइफ के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अगर मेरी सही में फिक्र होती तो तुम अकेले मुझसे बात करने आते, इन जोकरों को साथ में नहीं लाते। और बातों बातों में ही कैप्टन अमेरिका स्कॉट के हमले को रोकते हुए उसको नीचे गिरा देते हैं। उधर रेड हल्क
और कोलोसस की फाइट की वजह से पूरा माहौल गड़गड़ाहट की आवाज से भरा हुआ है और आसपास सब डिस्ट्रॉय हो रहा है। नेमर के ऊपर ल्यूक केज और द थिंग लात घूसों से अटैक किए पड़े हैं। इधर कैप्टन अमेरिका स्कॉट से लास्ट बार ये बोलते हैं कि मैं ये सब नहीं करना चाहता, तुम चाहो तो ये सब रोक सकते हो, पर साइक्लॉप्स नहीं मानता और वो मैजिक से बोलता है कि बैकडोर जाओ। तो कैप्टन अमेरिका डॉक्टर स्ट्रेंज से मैजिक का पीछा करने को बोलते हैं और जब डॉक्टर स्ट्रेंज मैजिक के पीछे जाते हैं तो वो देखते हैं कि मैजिक ने वहां की रियलिटी चेंज कर दी है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है ये सब करके तुम मुझको होप तक जाने से रोक सकोगी? तब मैजिक बोलती है कि मुझे नहीं पता था तुम इतने बेवकूफ निकलोगे और मेरे पीछे यहां तक चले आओगे। उधर साइक्लॉप्स ये नोटिस करता है कि वुल्वरिन वहां से गायब है तो वो चिल्लाता है कि वुल्वरिन कहां है, ढूंढो उसे। दूसरी तरफ वुल्वरिन और स्पाइडरमैन एक सीवर लाइन से अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं और स्पाइडरमैन बोलता है, उर्री बाबा लगता है लोग ने रात को मूली सब्जी खाया था। और वो वुल्वरिन का मजाक बनाता है कि क्या जगह चुनी है तुमने अंदर जाने को। तो वुल्वरिन बोलता है कि तुम्हें किसने बुलाया था साथ में आने को? तो स्पाइडरमैन बोलता है, मुझे लगा मेरी जरूरत पड़ सकती है तुम्हें, कहीं कोई तुम्हारी धुलाई ना कर दे, वैसे एक से भले दो ठीक है। उधर जहां होप समर्स थी उसने अपने सभी साथियों को पीट कर बेहोश कर दिया था और वो बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मैं किसी को चोट पहुंचाना नहीं चाहती थी लेकिन तुम लोग मेरी बात मान नहीं रहे थे। और वो बोलती है कि ये फिनिक्स फोर्स जितना करीब आता जा रहा है मैं इसकी पावर को फील कर सकती हूँ। तभी स्पाइडरमैन और वुल्वरिन अंदर आ जाते हैं और स्पाइडरमैन बोलता है, वाओ ये इतनी हॉट होगी, मुझे पता नहीं था, मुझे गाना याद आ रहा है, सुनाऊं क्या? नैनो में चिंगारियां शोला बदन फूलों की झड़ी। तो वुल्वरिन बोलता है, तुम कभी चुप भी होते हो? और वो कहता है, हट जा रास्ते से पीटर। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि तुम क्या करने वाले हो? तो वुल्वरिन बोलता है कि वही करूंगा जो करना चाहिए। और जैसे ही वुल्वरिन होप के पास जाता है तो होप की बॉडी से आग निकलने लगती है जिससे वुल्वरिन थोड़ा डर जाता है और उसके बाद पूरे रूम में आग फैल जाती है। और होप बोलती है, फिनिक्स को टेस्ट करके देखो। और वुल्वरिन की बॉडी बुरी तरह से जलने लगती है और स्पाइडरमैन भी उसकी चपेट में आ जाता है। तभी सब लोग यानी एवेंजर्स और एक्समैन वहां पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि सभी लोग जमीन पर पड़े हैं। और तब तक होप वहां से भाग निकलती है और सी वाटर पर उसे भागते हुए देख के लग रहा है कि फिनिक्स फोर्स उस पर अपनी पकड़ और मजबूत बना रहा है। उधर कहीं स्पेस में एवेंजर्स की एक टीम फिनिक्स फोर्स के पास पहुंच गई है और वो लोग बात कर रहे हैं कि हमें लगता है कि हम इसे रोक नहीं सकते। तो थॉर बोलता है कि दोस्तों हम लड़ेंगे, मरने के लिए इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता। और हम देखते हैं कि फिनिक्स फोर्स पर फैला है उनकी तरफ ही बढ़ रहा है। और आज का सेकेंड एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। Can I be your superhero?